हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? नाउ यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एडवांस फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट जिन लोगों को ये नहीं पता है फिजिक्स में बोहर मैग्नेट्रॉन का क्या मतलब है, तो आज का ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बोहर मैग्नेट्रॉन डिटेल में बात करेंगे कि ये बोहर मैग्नेट्रॉन फिजिक्स में यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी और इसको यूज करने से फायदे क्या हुए फिजिक्स को। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जायरो मैग्नेटिक रेशियो। ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है, एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए जायरो मैग्नेटिक रेशियो को समझना जरूरी है कि फिजिक्स में जायरो मैग्नेटिक रेशियो कैसा रेशियो है, ठीक है। एंड थर्ड हमारा जो लास्ट टॉपिक है, ये जी फैक्टर। फिजिक्स में जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो उन्होंने कई बार देखा होगा जी फैक्टर यूज होता है। एक्चुअल में ये कांस्टेंट होता भी है और नहीं भी होता है, तो जिस केस में ये कांस्टेंट होता है वो भी बताऊंगा। एक्चुअल में ये जी फैक्टर लाने का जो पर्पस था वो था मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करना। मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करना। किसका मैग्नेटिक मोमेंट? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन स्पिन, इसके वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। एक्चुअल में सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन की वजह से, ऑर्बिटल मोशन की वजह से जनरेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट होना जरूरी है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास चार्ज होता है, और ये चार्ज जब मूव करता है तो करंट जनरेट करता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। ऐसे ही आपको मैं बताऊं कि न्यूक्लियस पे भी एक चार्ज पार्टिकल होता है। न्यूक्लियस का जो चार्ज पार्टिकल होता है वो होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे चार्ज होने की वजह से जब प्रोटॉन का मोशन होता है तो उसके वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उसके वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट भी जनरेट हो जाता है। तो यानी मैग्नेटिक मोमेंट हम किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं? ड्यू टू न्यूक्लियस के पास भी अपनी एक स्पिन होती है, तो ड्यू टू हम उसे न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं। ऑब्वियसली ये होता प्रोटॉन की वजह से ही है, बट ओवरऑल हम न्यूक्लियस के लिए ही कैलकुलेट करते हैं इसलिए। तो आपको अगर आज का ये वीडियो इन तीन टॉपिक को समझने के लिए देखना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को स्किप कर देना, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक नॉलेज के लिए बताया है, क्योंकि फिजिक्स में ये जो टर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये तीनों टर्म्स आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बोहर मैग्नेट्रॉन इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको मैग्नेटिक मोमेंट समझना होगा। दोस्तों, जो ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये एक्चुअल में इसका एक फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, I into D। ये इंटीग्रेशन होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूं I into A, समझाता हूं क्या है। एक्चुअल में अगर कोई करंट लूप है, ये सर्कुलर लूप है, और इसमें अगर करंट I क्रिएट फ्लो हो रहा है, ठीक है, समझाते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ढंग से आपको। वैसे ये इंटरमीडिएट का टॉपिक है तो आपको आई होप सबको पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है उनके लिए। जैसे ये करंट है, ये एक सर्कल है, सर्कल में एक करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है। अगर मैं कहूं इस एरिया इसका रेडियस क्या है R है, तो मैं कहूं कि इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा वो क्या होगा, μ = I into area। तो I आपका करंट हो गया, एरिया क्या हो गया, πr². इट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट कितना क्रिएट हुआ इस करंट लूप की वजह से, πr². इसकी यूनिट क्या हो गई, I करंट यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट हो गई।
अब एक्चुअल में हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि जब भी मुझे फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म होता है वो होता है μ0/4π × 2μ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये परमिएबिलिटी है। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये जो म्यू जीरो है ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और जो ये मैं म्यू लिख रहा हूं इसका मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों अलग अलग चीज है, अपॉन आर क्यू। ये फॉर्मूला है, ये मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अगर जो हमारा डाइपोल है, जो मैग्नेटिक डाइपोल है, उससे हम मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सियल पोजीशन में इसके सेंटर पॉइंट से अगर हम आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए जैसे होता क्या है कि अगर मैं कहूं इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होगा, तो आप एम्पियर लॉ को यूज करोगे तो आपका जो राइट हैंड है उसकी जो फिंगर होगी वो अगर करंट को इंडिकेट करेंगी, करंट की डायरेक्शन को, तो जो थंब है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्रिएट करेगा। यानी मैं एक तरह से कह दूं ये लूप नहीं है, ये एक तरह से बार मैग्नेट है जिसका एन साइड ऊपर और एस साइड नीचे, यानी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे क्रिएट हो रहा है। यानी हर एक ऐसी चीज जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है उसको क्या मैं बार मैग्नेट से दिखा सकता हूं, जैसे ये करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और इसकी डायरेक्शन आप कैसे पता करोगे, जब करंट जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो उस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करना और जो थंब होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो एक बार मैग्नेट भी बताता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है NS, अगर बार मैग्नेट रख रखा है तो N जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा। तो यानी कोई ऐसी डिवाइस जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है उसको मैं बार मैग्नेट से इंडिकेट कर सकता हूं। अब इस बार मैग्नेट का जो डाइपोल मोमेंट है वो म्यू है। अब बार मैग्नेट का भी आप कहोगे डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आप सर हमें बताओ, तो बार मैग्नेट में एक क्वांटिटी होती है जिसे हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, बार मैग्नेट में क्या होता है, अगर ये बार मैग्नेट है और इसका मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है एन साइड की डायरेक्शन में होता है, तो इसमें एक क्वांटिटी होती है पोल स्ट्रेंथ, जिसे हम एन की साइड में प्लस एन से लेते हैं और एस की साइड में माइनस एन से लेते हैं। और अगर इस बार मैग्नेट की लेंथ है 2L, तो इसका डाइपोल मोमेंट म्यू हो जाएगा m × 2L। अगेन इसकी यूनिट होगी जो होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। यानी हम एक बार मैग्नेट के लिए भी डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऐसे ही हम किसी करंट लूप के लिए भी हम डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, इसे हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं बीच में बुक में लिख देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जनरली इसे हम मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं। तो किसी भी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट या किसी करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब मैग्नेटिक मोमेंट करता क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। क्यों, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ या तो बार मैग्नेट हो, इसी बार मैग्नेट को रिप्लेस कर दो एक करंट लूप से, तो उसकी एक्सिस से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये तो एक्सियल पोजीशन में हुआ, एक्सियल पोजीशन। और ऐसी केस सेकंड क्या होता है, ट्रांसवर्स पोजीशन। ठीक है, ऐसी ट्रांसवर्स पोजीशन। ट्रांसवर्स पोजीशन में इसके करंट की डायरेक्शन ये देना। ठीक है, ऐसे ट्रांसवर्स पोजीशन में क्या कहते हैं, यहां पे एक कंडीशन याद रखना, इसमें कंडीशन ये है कि जो ये एल है ना, जो डाइपोल मोमेंट जो बार मैग्नेट की लेंथ है, ये लेंथ ये बहुत ही छोटी होनी चाहिए, आर इसके कंपेयर में बहुत बड़ा होना चाहिए, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, ये भी याद रखना। ठीक है, ऐसे केस सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड हम
ट्रांसवर्स पोजीशन क्या होती है ये सब नोट कर लो आप, ठीक है। ट्रांसवर्स पोजीशन में ये फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे। तो देखो ट्रांसवर्स पोजीशन इधर बना, ट्रांसवर्स पोजीशन ये हो गया केस फर्स्ट एक्सियल पोजीशन, और केस सेकंड क्या हो गया ट्रांसवर्स पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन। तो ट्रांसवर्स पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू म्यू अपॉन आर क्यूब। अगेन यहाँ आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए इस एल से, जो बार मैग्नेट अगर हम इस करंट लूप के जरिए जो बार मैग्नेट हम रिप्लेस करेंगे उसकी लेंथ बहुत छोटी होनी चाहिए इस आर के कंपेयर में, तब जाके ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। तो कुल मिला के आप समझ गए कि हम मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो बोहर मैग्नेटॉन को समझने के लिए पहले हमें मैग्नेटिक मोमेंट समझना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के मैंने फॉर्मूले आपको लिखवा दिए हैं। पहला तो मैंने करंट लूप के वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना सिखाया, फिर बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो ये है, और करंट लूप के वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो ये है, वेयर आई इज द करंट एंड डी इज द स्मॉल एरिया ऑफ द लूप, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, इसको जनरली हम ऐसे आई इंटू एरिया ऑफ लूप भी लिखते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट क्यों करना है, मैग्नेटिक मोमेंट फिजिक्स में हम इसी वजह से कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हम इजिली मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा अगर हमें ये मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब ये मैग्नेटिक मोमेंट हम समझते हैं कि बोहर मैग्नेट्रॉन से इसका क्या रिलेशन है। इसका रिलेशन तब आता है जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रॉन के किसी मोशन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन कैसे कैसे होते हैं आपको पता है, पहला होता है ऑर्बिटल मोशन जो सबसे पहले फिजिक्स में डिस्कवर हुआ, तो सबने यही बोला था, चाहे वो आपके रदरफोर्ड हो चाहे आपके वो बोहर हो, उन्होंने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मोशन करता है। तो इलेक्ट्रॉन यानी मैग्नेटिक मोमेंट हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसके सेंटर पे न्यूक्लियस है, और ये ऑर्बिट जो है वो सर्कल सर्कुलर है, ठीक है, और इस ऑर्बिट की रेडियस है r जिसमें इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू, ठीक है। अब म्यू का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, आई इंटू एरिया ऑफ लूप, आई इज द करंट इन द लूप एंड ए इज द एरिया ऑफ द लूप, ठीक। तो करंट इसमें कितना फ्लो हुआ, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, आई इज द करंट उसका फॉर्मूला, या हम इसे क्यू बाई टी भी लिख सकते हैं, क्यू इज द चार्ज एंड टी इज द टाइम जो जिसमें वो चार्ज उस लूप को क्रॉस कर रहा है। कहने का मतलब क्या है मैं समझा देता हूं, ये फॉर्मूला काम कब करेगा, ये फॉर्मूला कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने चार्ज को इस पॉइंट से मूव कराना शुरू किया, तो करंट कब क्रिएट होगा, जब इस पॉइंट से दोबारा ये चार्ज क्रॉस होगा, तो मींस जब ये चार्ज यहां से पूरा मोशन करके दोबारा इस पॉइंट को क्रॉस करेगा तब मैं कहूंगा कि इस पॉइंट के थ्रू करंट आई फ्लो होगा। समझ गए कि ये फॉर्मूला काम कब कर रहा है, जब ये चार्ज पूरा इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम पी कहते हैं, तो इस पॉइंट से ये चार्ज पूरा मोशन करके दोबारा जब इस पॉइंट को क्रॉस करेगा तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट के थ्रू करंट फ्लो हुआ, ठीक है। तो इस पॉइंट के थ्रू कितना चार्ज क्रॉस हो रहा है, तो मैं कहूंगा माइनस ई चार्ज क्रॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम एक्चुअल में माइनस ई ही लेते हैं, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम,
तो ये माइनस का चार्ज हम जनरली ऐसे माइनस ई करके इंडिकेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया माइनस ई, ठीक है। अब कितना टाइम इसने मतलब इस पॉइंट पी को क्रॉस करने में ये चार्ज जितना टाइम लगाएगा वो टाइम ये है, ठीक है। तो इस टाइम को हम कर देते हैं टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पूरा चक्कर लगा के दोबारा इसी पॉइंट पर पहुंच रहा है। तो टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, आपको पता है वही जो इंटरमीडिएट में या हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी इक्वल टू या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो टाइम हमारा क्या है, टाइम पीरियड, और क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्टेंस कितना हो गया इस पूरे लूप का, अगर मैं कहूँ रेडियस आर है तो पूरे लूप की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2πr, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो वी है, यहाँ फॉर्मूले में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस ई वी अपॉन 2πr। चलो आई को हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आई के बाद हम क्या कैलकुलेट करना है हमें, ए। तो ए एरिया ऑफ लूप क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ये बहुत सिंपल था, एक सर्कुलर लूप का एरिया क्या होता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। अच्छा दोनों चीजें हमें पता है तो क्या हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूले में पुट कर दो, आई की वैल्यू हो गई ई वी पाई 2πr इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल और आर से ये एक आर कैंसिल, तो फॉर्मूला हो गया माइनस ई वी आर बाई 2, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, ठीक है। ये सब चीजें नोट कर लो फटाफट, मैं मिटा रहा हूं। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट कब कैलकुलेट कर पाए हम, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कर रहा था, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूले को क्या हम एंगुलर मोमेंटम से रिलेट कर सकते हैं, क्या मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेशन एंगुलर मोमेंटम से है, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका मतलब इसके पास कोई एंगुलर मोमेंटम तो होगा ही। एंगुलर मोमेंटम हर एक टाइप के सर्कुलर मोशन में होता है, तो क्या हम मैग्नेटिक मोमेंट को एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखें रिलेट कर सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर, ठीक है। और जो लोग फिजिक्स बहुत डिटेल में पढ़ते हैं उनके लिए जो फॉर्मूला होता है आर इंटू पी होता है, आर इज द रेडियस ऑफ लूप एंड पी इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल आपको पता है पी क्या होता है, एम मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां पे लगाओगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मास आर इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मैंने यहां पे मैग्नीट्यूड लिया है, क्लियर हो गई बात, चलो ठीक है। तो क्या मैं अप्लाई कर दूं यहां पे, अब मुझे देखो वी आर यहां पे फॉर्मूले में करेक्टली दिखता है, जो मुझे इंट्रोड्यूस करना है उसमें मास ऑफ पार्टिकल, तो मास ऑफ पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन का मास। तो क्या मैं यहां पे फॉर्मूले में लगा दूं, म्यू इक्वल टू ऊपर नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दू, ई एम वी आर अपॉन 2m। तो म्यू क्या हो गया, ई बाई 2m, और ये क्या हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इट मीन्स डाइपोल मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। बीच बीच में गाड़ियां चलेंगी लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं कोई हाई फाई सोसाइटी में नहीं रहता, मैं आम आदमी हूं, ठीक है। तो गाड़ियों की आवाज आती रहेगी, आप एडजस्ट करते रहना, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट को हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में कुछ ऐसे, यानी मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट को हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर हमारे पास है तो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर हो गई बात। इतनी बात मैंने पहले भी आपको बताई होगी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर में, ठीक है, इतनी बात आप नोट कर लो। ठीक है, अब ये सब चीजें मैं मिटा दूं। अब जो बोहर मैग्नेट्रॉन क्या क्यों हमने लगाया वो समझते हैं। अच्छा आप जानते हो, बताता हूं, अगर मैं कहूं, ठीक है, वैसे तो ये वेक्टर फॉर्म है, अगर मैं इसको जनरली मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बोलूं
तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये हो जाएगा E बाई 2m, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है l, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन है, तो क्या मैं इसको म्यू एल इंडिकेट कर लूं, क्योंकि ये ऑर्बिटल के मोशन से है, तो म्यू एल, तो हम इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हुआ उसे मैं म्यू एल से इंडिकेट करूंगा और ये हो जाएगा माइनस ई बाई 2m और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट का, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब समझाते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है। एक्चुअल में बोहर मैग्नेट्रॉन एक यूनिट है जो इलेक्ट्रॉन के या जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, या प्रोटॉन हो गया, या न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल है इनके अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे एक स्मॉलर यूनिट चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट तो आप जानते ही हो क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यही तो अभी मैंने बताई थी। बट प्रॉब्लम क्या है कि इनकी जो कैलकुलेशन अगर मैं सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन के मोशन या प्रोटॉन के मोशन या न्यूक्लियस के मोशन के लिए अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करूं तो ये बहुत छोटा आता था, तो उसके लिए मुझे एक बहुत छोटी यूनिट चाहिए। अब वो यूनिट हम बनाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने अभी बताया था जो ये एल होता है, एल का जो मैग्नीट्यूड होता है जिसे हम सिंपली एल इंडिकेट कर रहे हैं, ये होता है एल एल प्लस वन एच कैट स्क्वायर, एच कैट वेयर एच कैट इज द रिड्यूस्ड प्लांक कॉन्स्टेंट। आपको पता होना चाहिए एच इज द प्लांक कॉन्स्टेंट, तो रिड्यूस्ड प्लांक कॉन्स्टेंट और प्लांक कॉन्स्टेंट के बीच में ये रिलेशन होता है। तो क्या मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि L की वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें बताई है कि इतनी होती है, वेयर L क्या होता है ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो म्यू L, अब मैं वो चीजें निकाल देता हूं, ठीक है। तो इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई एच कैट बाई 2m माइनस का और ये अंदर l l प्लस 1 इतना। अच्छा, जो ये l l प्लस 1 है ये एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, याद रखना। क्वांटम नंबर जितने भी होते हैं उनकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक नंबर है और ये जो है यही यूनिट डिसाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है, एच कैट है, इसकी भी अलग यूनिट होगी और एक एम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी यूनिट कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो जो यूनिट डिसाइड कर रहा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या जो ये यूनिट बना रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, वेयर, जो यूनिट बना रहा है इसी को हम बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है ई एच कैट अपॉन 2m। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया कि बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है। एक्चुअल में यूनिट है मैग्नेटिक मूवमेंट की, मैग्नेटिक मूवमेंट की एक यूनिट है बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। और अगर हम जब इसको कैलकुलेट किया तो इसकी जो वैल्यू आ रही थी आप समझो कि कितनी कम है, ठीक है। ये वैल्यू है आपकी 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24, कितनी, हाँ एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर जो यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, समझ गए, ठीक है। एक्चुअल में आप अगर मैंने बोला कि ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी ना होता है, तो आप नेगेटिव का साइन हटा दो, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में आप नेगेटिव का साइन जरूर लगाओगे, मींस अगर मैं कहूं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल मोशन क्या है तो आप लिखो कि माइनस 2m, ये हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। बट अगर मैं कहूं कि इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं मैं सिर्फ,
तो मैग्नीट्यूड सिंपली साइन पे डिपेंड करता ही नहीं, तो मैं साइन हटा देता हूं। तो क्लियर हो गई बात कि ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू एल इक्वल टू रूट एल एल प्लस वन म्यू बी, वेयर म्यू बी इज द बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, सब दिखाई दे रहा है आराम से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि बोहर मैग्नेट्रॉन हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया। बोहर मैग्नेट्रॉन एक्चुअल में मैग्नेटिक मोमेंट की एक यूनिट है जो बहुत छोटी है ना। देखो कितनी छोटी है, यानी एम्पियर मीटर के कंपेयर में 10^-24 टाइम छोटी है। ठीक है, तो इसका यूज हम क्यों यूज करते हैं, इसका यूज एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस जो जितने भी छोटे पार्टिकल है उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए इस यूनिट का हम यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है। ठीक है, बोहर मैग्नेट्रॉन आप सिंपली कहोगे बोहर मैग्नेट्रॉन इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विच फॉर्मूला इज दिस एंड वैल्यू इज दिस। ठीक है, अच्छा नोट कर लेना, बोहर मैग्नेट्रॉन आपको पता चल गया होगा। अब बोहर मैग्नेट्रॉन यूज करने से फायदा क्या हुआ कि अब डायरेक्टली हमें इतनी वैल्यू हमें पहले से पता होती है, सिर्फ हमें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू पुट करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं एल इक्वल टू वन है तो उसके लिए मैं कहूं कि डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करो तो बहुत ईजी है क्योंकि म्यू बी की तो वैल्यू हमें पहले से पता है, आपको सिर्फ इसकी वैल्यू रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें रूट टू म्यू बी। एल इक्वल टू टू के लिए आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, कितना हो जाएगा यहां पे इस फॉर्मूले में टू रखोगे तो टू एंड थ्री यानी रूट सिक्स म्यू बी। तो कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जा रहा था जब हमने ये बोहर मैग्नेट्रॉन की यूनिट को यूज किया। ठीक है, हमें मिटा दे रहा हूं। इनफैक्ट ये बोहर मैग्नेट्रॉन की यूनिट बनाने से एक और फायदा हुआ कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलावा हमने स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट जो क्रिएट हो रहा था उसको भी बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर पाए। कैसे वो देखते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट आप लोगों को आई होप पता चल गया हो, तो आप सीधे सीधे सॉरी बोहर मैग्नेट्रॉन, तो बोहर मैग्नेट्रॉन आप सीधे देख सकते हो, इसको हम इंडिकेट करते हैं म्यू बी और एक ये यूनिट है और इसकी वैल्यू क्या होती है ई एच टेट अपॉन टू एम। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप अगर याद करना चाहो तो याद कर लेना, कितनी मैं तो भूल गया 9.27। वैसे भी मुझे याद क्या करना है, मुझे तो एग्जाम देना ही नहीं होता तो मैं याद क्यों करूं, 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये होता है बोहर मैग्नेट्रॉन, और बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है, एक यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट की। क्लियर होगा, जो सब एटॉमिक पार्टिकल के मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने में यूजफुल होती है। ठीक, अच्छा अब ऑर्बिटल मोशन क्या है, ऑर्बिटल मोशन में तो मैंने बता दिया। अच्छा सेकंड क्या है, अब हमें मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए कैलकुलेट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास टू टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल मोशन एक होता है स्पिन मोशन। तो स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि इसका बोहर मैग्नेट्रॉन आता है या नहीं आता है, क्या इसमें भी बोहर मैग्नेट्रॉन की अलग यूनिट बनाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं नहीं इसको कैलकुलेट करने की क्या मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत है या नहीं है वो भी देखिए। जैसे कि हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए जब हमने बोहर मैग्नेट्रॉन की यूनिट बना दी, तो क्या ऐसी यूनिट इस केस में भी बनाने की जरूरत है जब स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो। ठीक है, अब एक और चीज है जो मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो ये तो सिंपली फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, ये केस याद रखना क्योंकि इसी केस से हम स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से जितना भी मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक और काम बोला था आपको, जायरो मैग्नेटिक रेशियो, तो वो देखो क्या है जायरो मैग्नेटिक रेशियो। तो सिंपली ये क्या होता है, इसे हम
जायरोमैग्नेटिक रेशियो को हम इससे इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, गामा से। जायरोमैग्नेटिक रेशियो को हम गामा से अगर इंडिकेट करें तो इसका सिंपली ये रेशियो होता है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम आपको पता है कई टाइप के होते हैं, एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, या न्यूक्लियर स्पिन होता है, न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, कई सारे एंगुलर मोमेंटम होते हैं। तो हम सिंपली एंगुलर मोमेंटम यानी मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है उसी को हम जायरो मैग्नेटिक रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने इंडिकेट सही किया जायरो मैग्नेटिक रेशियो को। वैसे तो बुक में कोई सिंबल दिया नहीं है लेकिन मैंने दे दिया, ठीक है। तो मैं कहूं कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जायरो मैग्नेटिक रेशियो कितना हुआ, तो आप सिंपली यहां पे अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू एल अपॉन एल इक्वल टू ये हो जाएगा ई बाई टू। ये हुआ जायरो मैग्नेटिक रेशियो फॉर ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप नोट कर लो ये जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, ठीक है। जायरो मैग्नेटिक रेशियो आप जब भी कैलकुलेट करोगे तो आप सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड पुट करोगे और ऑर्बिटल सॉरी एंगुलर मोमेंटम का भी मैग्नीट्यूड पुट करोगे। तो मैंने यहां साइन इंडिकेट नहीं किया, अगर साइन इंडिकेट करता तो यहां माइनस आ जाता, लेकिन मैं साइन नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा हूं। तो मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे तो ये नीचे आएगा तो ई बाई टू एम जायरो मैग्नेटिक रेशियो। अब खास बात क्या है कि जो स्पिन एक्चुअल में ये जायरो मैग्नेटिक रेशियो की जरूरत एक्चुअल में इसे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने के बाद हम स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर पाए, इंपॉर्टेंट बात है। देखो स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना इजी था बिकॉज आपको करंट लूप दिख रहा था। समझ में आ रही बात, देखो करंट लूप दिख रहा है आई है, इसका रेडियस भी आपको पता है, सब चीजें पता थी इस केस में ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन स्पिन के केस में आपको इतना बड़ा तो इलेक्ट्रॉन ही है, इतना बड़ा होता नहीं है, बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने ही पोजिशन में स्पिन कर रहा है, अब अपनी ही पोजीशन में स्पिन कर रहा है तो इसका जो करंट होगा वो सोचो किसकी सरफेस का करंट होगा, अरे जो करंट जितना भी होगा वो इसका सरफेस करंट होगा। अब इसका साइज ही इतना छोटा है तो इसका जो सरफेस करंट है वो कितना छोटा होगा, सोचो। अगली बात समझ में, अब साइज छोटा तो सरफेस करंट भी छोटा, तो यानी कैलकुलेट करना सेम थ्योरी अगर मैं इस स्पिन मोशन में लगाऊं तो यार इसका तो मुझे रेडियस भी नहीं पता है इलेक्ट्रॉन का। अगर मैं कहूं कि इसके सरफेस करंट अगर फ्लो हो रहा है तो वो भी एक लूप में फ्लो हो रहा होगा, उस लूप का रेडियस क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का अभी हमें साइज ही नहीं पता है तो रेडियस कहां से पता होगा तभी। तो इसका मतलब हम जो डाइपोल मोमेंट सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने वाला जो फॉर्मूला है आई इंटू ए, उसमें आई एक बात को हम कैलकुलेट कर लें लेकिन क्या एरिया ऑफ लूप कैलकुलेट कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कि स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हुआ उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जायरो मैग्नेटिक रेशियो को लेके आए, और जायरो मैग्नेटिक रेशियो को जब हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये आ रहा था 2 times, ठीक है। तो आप सीधे लिखोगे एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड दैट experimentally we found that जायरो मैग्नेटिक रेशियो, मैं सीधे गामा लिख रहा हूं, जायरो मैग्नेटिक रेशियो और स्पिन मोशन each two time of orbital motion of electron means हमें क्या पता था कि जायरो मैग्नेटिक रेशियो, कहने का मतलब है अगर जायरो मैग्नेटिक रेशियो मैं
ऑर्बिटल के लिए बोलूं तो इसे इस सफिक्स में एल लिख के दिखा दूं। सो मींस हमें क्या पता था, स्पिन के लिए जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है वो 2 टाइम ऑर्बिटल के जायरोमैग्नेटिक रेशियो के बराबर होता है। तो ऑर्बिटल का जायरोमैग्नेटिक रेशियो आपको पता है कितना होता है, तो स्पिन का जायरोमैग्नेटिक रेशियो को हम क्या इंडिकेट कर दें, म्यू एस अपॉन एस। म्यू एस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन और एस इज द स्पिन एंगुलर मोमेंट। समझ में आ रहा है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस हो गया। जैसे यहां पे क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल मोशन और ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वैसे ये है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिन मोशन और अपॉन स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्या हो गया आपका, सिंपली हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, इंप्लाइज दैट म्यू गामा एस यानी जायरो मैग्नेटिक रेशियो ऑफ स्पिन क्या हो जाएगा। अगर हम इससे इंडिकेट करें तो हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, हमें ये रिलेशन मिल जाएगा, इंप्लाइज दैट। ठीक है, इस थ्योरी को, इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को इस फॉर्मूले से अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा म्यू एस अपॉन एस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ, तो 2 टाइम्स ऑफ जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ म्यू एल गामा एल, सॉरी जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन का जायरोमैग्नेटिक रेशियो हमें पता है, तो ये हो जाएगा ई बाई 2m, ऐसे कैलकुलेट करता है। तो आप समझो कि फिजिक्स में हम जायरोमैग्नेटिक रेशियो को क्यों लेके आए, क्योंकि हम इसको कैलकुलेट कर पाते थे और इसी की हेल्प से हम स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से जितना भी मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है उसको हम कैलकुलेट कर पाए, किसकी हेल्प से, जायरोमैग्नेटिक रेशियो की हेल्प से। ठीक है, नोट कर पॉज करके नोट कर। अच्छा ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं क्या कहूं कि अगर ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो हमें अभी हमने इससे पहले वाले केस में देखा था जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका एंगुलर मोमेंटम, उसकी डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम से अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये है मैग्नेटिक मोमेंट और ये है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो म्यू एस वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू ई बाई 2m एस वेक्टर, ये है वेक्टर फॉर्म में। और आपको पता है अगर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूंगा तो ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, ये एस का सिंपली इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट करता है, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम म्यू एल इंडिकेट कर रहे हैं, एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट ये है। ठीक है, तो आपको दो टर्म समझ में आ गए होंगे कि बोहर मैग्नेट्रॉन, क्या मैं इसको बोहर मैग्नेट्रॉन की टर्म्स में लिख सकता हूं, समझने वाली बात है, क्योंकि बोहर मैग्नेट्रॉन की यूनिट हमने देखा कि किसको कैलकुलेट करने में यूजफुल है, इसका मैग्नेट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए यूजफुल है। तो क्या मैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिन को भी कैलकुलेट करने के लिए क्या मैं बोहर मैग्नेट्रॉन की यूनिट का यूज कर सकता हूं, देख लेते हैं। ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो नोट कर लेना, ठीक है, पॉज करते हैं। अब देखते हैं, जैसे कि बोहर मैग्नेट्रॉन की यूनिट में अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं तो मैंने अभी बताया था म्यू एल का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जस्ट इसका मैग्नीट्यूड लगाना होता है। तो एल का मैग्नीट्यूड होता है आपको एल एल प्लस 1 एच के, ठीक है, तो वो हो जाएगा एल एल प्लस 1 और म्यू बी। ठीक है, बोहर मैग्नेट्रॉन के टर्म में इसका मैग्नीट्यूड ऐसे कैलकुलेट हो सकता है, क्या इसका भी हो सकता है। ठीक, ये लिख लेना म्यू बी क्या होता है, बोहर मैग्नेट्रॉन जिसका मैग्नीट्यूड होता है ई एच कैट अपॉन 2m, वेयर एन इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे क्वांटम मैकेनिक्स ने स्पिन एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला दिया था। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एस एस प्लस 1 एच कैट, वेयर एस इज द स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा अब मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं सिर्फ, तो मैग्नीट्यूड में ये साइन हटा दूंगा तो ये म्यू एस क्या हो जाएगा, 2 ई एच कैट बाई 2 एम
और क्या हो जाएगा एस एस प्लस वन। तो मींस बोहर मैग्नेट्रॉन के टर्म्स में हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम के वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हुआ उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एस एस प्लस वन, क्या ये म्यू भी नहीं है? और यहाँ पे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही मोशन है, तो इट मीन्स हम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन भी बोहर मैग्नेट्रॉन के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऐसे ही मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी बोहर मैग्नेट्रॉन के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मैंने फॉर्मूले से लिखा दिया कि कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। मैं भी चेक कर लेता हूँ यार, कहीं गलती ना हो जाए, वरना वीडियो पूरा डिलीट करना पड़ेगा। बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू सही रखी है, ठीक है, ठीक मैं बता दूं। अच्छा, तो समझ गए कि बोहर मैग्नेट्रॉन क्यों यूजफुल है। बोहर मैग्नेट्रॉन एक्चुअल में मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए यूजफुल है, ठीक है। हमें मिटा रहा, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट कर लो। अब एक और चीज आती है, मैंने एक और लास्ट में जी फैक्टर क्या होता है, मैंने बोला था जी फैक्टर। एक्चुअल में जी फैक्टर मैग्नेटिक मोमेंट की सिमेट्री को डिफाइन करती है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट की एक तरह से रिलेशन ऑब्लिक सिमेट्री को इंडिकेट करता है। सिमेट्री या रिलेशन कुछ भी बोल सकते हो, मैं बताऊंगा क्या है। एक्चुअली जी फैक्टर सिंपली हम जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट आ रहे थे इलेक्ट्रॉन के, या तो वो ये था या तो वो ये था, इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के तरह ही एक और आपका मोशन होता है, थर्ड वो होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी एक मोशन है। मीन्स इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हुए ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट अलग आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, स्टेटमेंट समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे सिर्फ मैंने इलेक्ट्रॉन के घूमने को कंसीडर किया, तो उस केस में जितना मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा था उसका फॉर्मूला ये था। इस केस में मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को फिक्स किया एक पोजीशन पे, और इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे स्पिन कर रहा है, तो उस स्पिन करने की वजह से कितना मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ उसका फॉर्मूला ये है। बट जब हम प्रैक्टिकल केस में बात करें, प्रैक्टिकल केस यही है, इलेक्ट्रॉन स्पिन करता हुआ ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, तो उस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अलग आएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली जी फैक्टर की वजह से। अब ये जी फैक्टर क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने बोला था जी फैक्टर एक्चुअल में यूजफुल होता है मैग्नेटिक मोमेंट की रिलेशन बनाने में या उनकी सिमेट्री को डिसाइड करने में, ठीक है। तो बताता हूं कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल इन दोनों रिलेशन को क्या मैं एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकता हूं, कैसे रिलेट कर सकता हूं, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन का जितने टाइप का भी मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है क्या वो सब फॉर्मूले एक जैसे हो रहे हैं? देखो होते हैं। अगर हम जी फैक्टर अप्लाई कर देते हैं, जी फैक्टर क्या है वो भी समझ जाएंगे। क्या इस फॉर्मूले को मैं म्यू एल इक्वल टू माइनस जी एल, जी सफिक्स में स्मॉल एल, जी सफिक्स में एल लगा देना, ठीक है, E बाई टू एम वेक्टर एल, ऐसा लिख सकता हूं। ये इस फॉर्मूले को अगर मैं बोहर मैग्नेट्रॉन के टर्म में लिखूं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, तो ये हो जाएगा जी एल, अब बोर्ड छोटा हो गया मेरा है, चलो लिख दूंगी। तो म्यू एल का अगर मैं मैग्नीट्यूड जी फैक्टर के टर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, जी एल 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 प्लस वन
म्यू बी, वेयर म्यू बी इज द बोहर यूनिफॉर्म। अब आप कहो कि ये जी एल आपने क्यों लगाया, अगर मैं कहूं कि ये कोई कांस्टेंट है या कोई टर्म है जिसकी वैल्यू क्या है, जी एल की वैल्यू 1 है, तो क्या ये फॉर्मूला सही है? बिल्कुल सही है, मैंने जी एल की वैल्यू 1 लिख दी और बोला कि ये फॉर्मूला ऐसा नहीं ऐसा है। वेयर जी क्या है, जी इज द, जी एल इज द ऑर्बिटल जी फैक्टर। तो मैं बताऊं कि जी फैक्टर कुछ कांस्टेंट होते हैं कुछ कांस्टेंट नहीं होते, लेकिन ऑर्बिटल जी फैक्टर कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। जब यहाँ पे जी का फॉर्मूला लगाओगे फिर मैग्नीट्यूड पुट करोगे, तो जैसे मैंने ये फॉर्मूला बनाया था पिछले केस में वैसे जी के साथ जब ये फॉर्मूला बनाओगे तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसको भी जी के टर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये ऐसा हो जाएगा म्यू एस इक्वल टू माइनस यहाँ पे जी एस लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्बिटल के लिए जी फैक्टर बनाया था और हमने यहाँ स्पिन के लिए जी फैक्टर बनाया, अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई बाई 2m और ये स्पिन एंगुलर मोमेंट था, ये फॉर्मूला बन गया। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड जी फैक्टर के टर्म में लिखूं तो म्यू एस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जी एस 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 प्लस 1 और म्यू बी बोहर मोमेंट। तो समझ गए कि ये जी फैक्टर हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया। देखो, ये जी फैक्टर लगाने की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल मोशन है और जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिन मोशन है वो दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं, बस उनका जी फैक्टर का जो कांस्टेंट है वो अलग है। अब यहाँ पे जो जी एस है उसको हम कहते हैं स्पिन जी फैक्टर, स्पिन जी फैक्टर, ठीक है। और इस जी एस की वैल्यू क्या होती है, देखो इसका मतलब क्या है कि हमें ये पता चला, मतलब जितना भी हमने ये टर्म इंट्रोड्यूस करे चाहे वो बोहर मैग्नेट्रॉन हो या जो जायरो मैग्नेटिक रेशियो हो या जो जी फैक्टर हो, उससे फॉर्मूले बनाने बहुत आसान हो गए हैं, फॉर्मूलों को एक दूसरे से रिलेट करना बहुत आसान हो गया। कैसे कि आपका हम ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमने ऐसा फॉर्मूला बना दिया और सिमिलर फॉर्मूला बना, बस वहां पे जी फैक्टर अलग अलग हो गए। स्पिन मोशन के लिए जी फैक्टर अलग होगा, ऑर्बिटल मोशन के लिए जी फैक्टर अलग होगा, लेकिन फॉर्मूले सेम होंगे। देखो फॉर्मूले ई बाई 2m यहाँ पे है, यहाँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ गया और ई बाई 2m यहाँ पे भी सेम है और यहाँ ऑर्बिटल के लिए जो मोशन हो रहा है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, तो वो यहाँ आ गया। अब इसको यूज करने से हम टोटल एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले बड़े आसानी से बना पाए, ठीक है। देखो कैसे बने, अच्छा पानी भर लो, ठीक है अंकल जी। तो अब देखो ये सब नोट कर लेना पहुंच कर, ठीक है। अब देखो कितने आसानी से टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के सारे फॉर्मूले बन गए। तो क्योंकि अब हम जी फैक्टर समझ चुके हैं कि क्या है, तो जी फैक्टर के टर्म में क्या मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ, तो जी फैक्टर के टर्म में ये फॉर्मूला हो जाएगा जी एल ई बाई 2m और ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और इसी फॉर्मूले को जी फैक्टर के टर्म में समझें तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा जी एस, ये हो गया जी सफिक्स में एल और ये जी सफिक्स में एस। इसको हमने क्या बोला, जी एल इज द ऑर्बिटल जी फैक्टर और ये है स्पिन जी फैक्टर, जी एस इज द स्पिन जी फैक्टर। तो ऐसे ही हम बहुत आसानी से हम टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम जे से दिखाते हैं, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा उसे हम म्यू जे इंक्लूड करते हैं और ये सिमिलर फॉर्मूला बन जाएगा माइनस जी जे इंटू ई की पावर 2m और टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑर्बिटल नहीं टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता होना चाहिए टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम और प्लस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये होता है टोटल स्पिन, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जे इक्वल टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। पानी भर लिया था अंकल जी ने, ठीक। तो उसका फॉर्मूला जैसे इन सबको बनाया वैसे इन सबको, यहाँ पे जो जी है
जो जी जे है उसको हम सिंपली जी भी लिखते हैं, और ये जी फैक्टर जो जिसे हम कहते हैं टोटल एंगुलर जी फैक्टर, इसको हम कह सकते हैं टोटल एंगुलर जी फैक्टर, मैंने अपनी तरफ से नाम बताया है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर भी किया जा चुका है, ठीक है। एक्चुअल में ये जो जी होता है इसको हम जी इक्वल टू वन प्लस जे जे प्लस वन, जो इस जी को कैलकुलेट किया जा चुका है उसका फॉर्मूला यही है, जे जे प्लस वन प्लस एस एस प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन अपॉन टू जे जे प्लस वन। आपको मैं बता दूं जे इज द टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, एस क्या है स्पिन क्वांटम नंबर, और एल क्या है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इस जी को एक्चुअल में इस जी को जिन्होंने कैलकुलेट किया था उनका नाम था लैंडे, तो इसी के नाम पे इस जी फैक्टर को हम कहते हैं लैंडे जी फैक्टर, ठीक है। इसे जी जे भी लिखते हैं या इसे सिंपली हम जी भी इंडिकेट कर सकते हैं, और इसको जो जिस साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया था उनका नाम लैंडे था, और उन्हीं के नाम पे इस जी को हम कहते हैं लैंडे जी फैक्टर। और ये जी जो जी होता है ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये चेंज होता है, जे और एस पे डिपेंड करता है, जे एस और एल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, इसलिए ये जी कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये जो जी एल है और जो ये जी एस है ये कांस्टेंट होता है। तो कभी आपसे पूछे लैंडे जी फैक्टर कांस्टेंट होता है तो आप कहोगे नहीं कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि जी फैक्टर कांस्टेंट होता है तो आप कहोगे हाँ ऑर्बिटल मोशन का जी फैक्टर कांस्टेंट होता है और स्पिन मोशन का जी फैक्टर भी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से आपको मैंने बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन भी होता है, वो भी हम जी फैक्टर के टर्म में इंडिकेट कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो फोर्थ जो हमारा है अब जिसका हमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है वो है न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन, या आप कह सकते हो न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, या इसके आगे आप ऐड कर सकते हो न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो पहले मैं बता दूं जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम एस से इंडिकेट करते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को एल से इंडिकेट करते हैं, और टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम जे से इंडिकेट करते हैं, वैसे ही हम न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम आई से इंडिकेट करते हैं। और मैं आपको बताऊं जैसे एस का मैग्नीट्यूड क्या था, क्वांटम मैकेनिक्स में बताया था एस एस प्लस वन एच कैट होता है, एल का मैग्नीट्यूड क्या होता है एल एल प्लस वन एच कैट, और जे का मैग्नीट्यूड क्या होता है जे जे प्लस वन एच कैट। सिमिलर आई का जो मैग्नीट्यूड होता है जो न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो भी क्वांटम मैकेनिक्स ने ऐसे ही डिफाइन किया है कि स्मॉल आई आई प्लस वन एच कैट, ये हो गया न्यूक्लियर स्पिन का एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ठीक। अगर मैं कहूं कि इसका जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होगा, तो यहां पे जैसे जैसे जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ म्यू अपॉन जायरोमैग्नेटिक रेशियो, फॉर एग्जांपल ऑर्बिटल मोशन का हम ये लेते हैं म्यू एल अपॉन एल, तो क्या था ये ई बाई टू एल, ये था, ये एक तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं जी एल ई बाई टू एल, ठीक है। जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मोशन, ये है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसी स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसी टोटल एंगुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो इन सब का क्या हो गया, इसका म्यू एस बाई एस इक्वल टू जी एस ई बाई टू एम। खाली मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ऐसे ही म्यू जे क्या हो जाएगा, म्यू जे अपॉन वेक्टर जे। ठीक दिखाई दे रहा है, म्यू जे ये हो जाएगा जी ई बाई टू एम। तो यहां पे इन सभी फॉर्मुलों में जो ये जायरो मैग्नेटिक रेशियो का मैंने जो फॉर्मूला बनाया है ऑर्बिटल मोशन में, स्पिन मोशन में और टोटल एंगुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, उन सबका फॉर्मूला ये था। इन सब में एक चीज कॉन्स्टेंट थी, वो थी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सभी इलेक्ट्रॉन के लिए हो रहे थे तो इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन में जो पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस के पास, वो होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर हो गई बात। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना नहीं होता है। तो प्रोटॉन के मास को मैं एम पी लिखूंगा और न्यूट्रॉन के मास को मैं स्मॉल में एम एन लिखूंगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि न्यूक्लियर स्पिन का जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होगा, तो सिमिलर बनाएंगे हम, न्यू आई अपॉन आई इक्वल टू जी। अब यहां पे जायरो मैग्नेटिक रेशियो ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, तो यहां पे जी आई सफिक्स में लिखूंगा और वो हो जाएगा E बाई टू एम। समझ लो जायरो मैग्नेटिक रेशियो कितना इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म है ये जायरो मैग्नेटिक रेशियो। अब देखो ये क्या है, प्रोटॉन के मास के। ठीक, मैं चेक कर लेता हूं। क्लियर हो गई बात। तो ये जो जायरो मैग्नेटिक रेशियो है तो ये है न्यूक्लियर स्पिन जी फैक्टर। ठीक है, ये जी आई को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर स्पिन जी फैक्टर। और सेम जैसे ये सारे फॉर्मूले बने वैसे ये भी फॉर्मूला बने। ठीक है, इनफैक्ट तो हम इससे डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन कैलकुलेट कर सकते हैं। उन सबको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया कि कैसे सारे फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है फिजिक्स में, और इन सबको रिलेशन, इन सबको रिलेट करने के लिए हमें कुछ कॉन्स्टेंट लाने पड़े, जैसे कुछ कॉन्स्टेंट या कुछ टर्म्स लाने पड़े, जैसे बोहर मैग्नेट्रॉन है, जायरो मैग्नेटिक रेशियो है, मीन्स इसे हम न्यू गामा एल बोलते हैं, इसे हम गामा एस बोलते हैं, इसे हम गामा जे बोलते हैं। जायरो मैग्नेटिक रेशियो को मैंने बोला था गामा से इंडिकेट करूंगा। ऐसी इन सभी जो टर्म्स हैं इनको इंट्रोड्यूस करने से हमें ये पता चला कि फिजिक्स में बहुत सारे जो पार्टिकल के मैग्नेटिक मोमेंट हैं या और भी क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे से काफी सिमिलर हैं, काफी रिलेटेड हैं। और कैसे रिलेशन है मैंने आपको दिखा दिया, वो नोट कर लो। ठीक है, तो न्यूक्लियर स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर इस फॉर्मूले से, इस जायरो मैग्नेटिक रेशियो से। तो ये जायरो मैग्नेटिक रेशियो किसका है, न्यूक्लियर स्पिन का है, तो मैंने आई सफिक्स में लगा दिया। तो इस फॉर्मूले से मुझे क्या मिला, म्यू आई इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो गया जी आई ई बाई टू एम पी, एम पी इज द मास ऑफ प्रोटॉन और ये आई मीन न्यूक्लियर स्पिन। तो आई की वैल्यू तो ये मैग्नीट्यूड के टर्म में रखता है। ठीक है, अगर डायरेक्शन बोलूंगा तो अपोजिट साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन के टर्म में यानी वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये माइनस का जी आई ई बाई टू एम पी आई हो जाएगा। ठीक है, आई वेक्टर ये है, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। अच्छा, ये जी आई को भी कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, यानी जायरो मैग्नेटिक रेशियो यानी न्यूक्लियर स्पिन जी फैक्टर को भी कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, अब इनफैक्ट जो बोहर मैग्नेट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होता है और न्यूक्लियर यानी सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके लिए अलग होता है। ठीक है, इनफैक्ट पहले मैं ये जी फैक्टर बता देता हूँ। तो ये जी फैक्टर की वैल्यू प्रोटॉन के लिए जी आई की वैल्यू होती है 5.58। ठीक है, पॉइंट के दो डिजिट में ही लिख रहा हूं, वैसे 5 डिजिट तक है। कितनी होती है फॉर प्रोटॉन, फॉर प्रोटॉन। और जी आई की वैल्यू
माइनस होती है 3.824 न्यूट्रॉन, ये होती यानी मीन जी फैक्टर न्यूक्लियर स्पिन में जो जी फैक्टर यूज होता है वो कैलकुलेट किया जा चुका है और अलग अलग होता है, प्रोटॉन के लिए अलग होता है, न्यूट्रॉन के लिए अलग होता है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं हम कि बोहर मैग्नेट्रॉन की यूनिट न्यूक्लियर स्पिन के लिए क्या है। तो बोहर मैग्नेट्रॉन की यूनिट कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला आप समझ के इन चीजों को मैं बता दूं। अच्छा, तो आप देखो आई का मैग्नीट्यूड मुझे पता है कितना होता है, आई आई प्लस वन एच कैप। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दूं तो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू न्यूक्लियर स्पिन क्या हो जाएगा, म्यू आई इक्वल टू जी आई और ये हो जाएगा ई एच कैट अपॉन टू एम पी। मीन सिमिलर आ रहा है फॉर्मूला, जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में बोहर मैग्नेट्रॉन का फॉर्मूला था ई एच कैट अपॉन टू एम, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन यूज करेंगे और ये हो जाएगा आपका रूट में आई आई प्लस वन। क्लियर हो गया, इट मीन्स न्यूक्लियर के लिए बोहर मैग्नेट्रॉन को म्यू एम इंडिकेट करते हैं, मीन्स ये न्यूक्लियस का बोहर मैग्नेट्रॉन है, म्यू बी बोहर मैग्नेट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन और म्यू एन मीन्स बोहर मैग्नेट्रॉन ऑफ न्यूक्लियस, कितना हो जाएगा ई एच बाई ई एच कैट बाई टू एम पी, कितना होता है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे पता है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो खैर इसकी नहीं पता चलती, क्यों न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई मुझे, बोहर मैग्नेट्रॉन की न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 5.05 इंटू 10^-27 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूनिट हो गए, आप इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, कुल मिलाकर मैंने आपको आज बोहर मैग्नेट्रॉन की डिटेल के बारे में बताया, बोहर मैग्नेट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होता है, न्यूक्लियस के लिए अलग होता है, इनफैक्ट मैंने जायरो मैग्नेटिक रेशियो के बारे में भी बताया और आपका एक और लास्ट टॉपिक क्या था, जायरो मैग्नेटिक, आई थिंक मैंने तीनों टॉपिक कैलकुलेट करवा दिए हैं मैग्नेटिक मोमेंट के भी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो हमारा होगा जीमान इफेक्ट पे, तो ओके बाय। अच्छा, बाय करने से पहले ये फॉर्मूला आप बोहर मैग्नेट्रॉन के टर्म में ये वाला फॉर्मूला कैसे लिखोगे, म्यू आई, कुछ चीजें छूट जाती हैं तो बता देता हूँ, जी आई म्यू एन और रूट में आई आई प्लस वन। तो ये जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस इन टर्म ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन ऑफ न्यूक्लियस के टर्म में। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके बाय।